जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा गूगल स्कॉलर से आर्टिकल और रेफरेंसेस कैसे डायरेक्ट एंड नोट में इंपोर्ट किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास आर्टिकल पहले से डाउनलोडेड हैं, आपके कंप्यूटर में सेव है, आप वहाँ से डायरेक्ट उसको कैसे एंड नोट में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम कोई भी आर्टिकल डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक आर्टिकल है, इसको मैं गूगल पे जाऊंगी। अगर ये कंप्लीट पहले तो मेरे पास नहीं निकलेगा, डाउनलोड नहीं होगा, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके पास एक आर्टिकल कंप्लीट ओपन नहीं हो रहा तो आप उसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें। कोई भी आर्टिकल अगर आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओपन हो गया और इसको मैं डाउनलोड करना चाह रही हूँ, कंप्लीट ओपन नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसका ये मैंने DOI कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊँगी साइंस हब पे, वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके कंप्लीट आर्टिकल मैं इसको ओपन करूँगी। और साइंस हब का ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट लिंक साइंस हब का वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा आर्टिकल, तो काइंडली आप उसका सेकंड लिंक ओपन कर लिया करें, परेशान नहीं हुआ करें। साइंस हब का ये आर्टिकल मैंने साइंस हब से इसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी। मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया j.sys के नेम से और सेव हो गया। अब अगर मैं जाऊँ डेस्कटॉप पे तो देखें ये आर्टिकल मेरे पास कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये आर्टिकल डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से ही, अपने जो भी आपके पास डिवाइस है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप वहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इनटू एंड नोट, और आपने डायरेक्ट गूगल स्कॉलर से उसको इंपोर्ट नहीं करना, या ऑलरेडी आपके पास आर्टिकल डाउनलोडेड फॉर्म में है, तो उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप जाएँ यहाँ पर फाइल में। फाइल में आप नीचे जाएंगे तो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब आप इंपोर्ट में अगर क्लिक करते हैं तो आगे आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं, फाइल का और फोल्डर का। अगर आप एक सिंगल फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक सिंगल फाइल को क्लिक कर लें। अगर आप कंप्लीट फोल्डर, जो अपने आर्टिकल्स का कंप्लीट फोल्डर डाउनलोड किया हुए हैं, आप उस कंप्लीट फोल्डर को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। इस केस में हमने एक आर्टिकल डाउनलोड किया, तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगी। फ़ाइल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये साइट ओपन हो गई। अगर ये साइट ओपन होगी, इसमें मैं, अब वो कह रहे हैं कि आपने चूज़ करनी है कि इंपोर्ट फाइल्स, अब वो फाइल कह रहे हैं इंपोर्ट करें, और हम चूज़ करेंगे जिस भी लोकेशन पे वो हमारे पास सेव है। तो मैंने उसको चूज़ पे क्लिक किया तो अब मेरे पास ये साइट ओपन होगी। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी, मेरे पास ये आर्टिकल जो है, मैंने इसको क्लिक किया, जो मैंने डाउनलोड किया आपके सामने, इसको मैं ओपन करूँगी, ये चीज़ आ गई। अब इंपोर्ट ऑप्शन, ये यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन उसका जो इंपोर्ट ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट नहीं करते। तो काइंडली आपने, चूँकि आपके पास ये जो फाइल है वो PDF फॉर्म में है, आपने इसको PDF सिलेक्ट करना है। PDF सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट्स इंपोर्ट आर, यहाँ पे आपने कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट आपने चूज़ पे जाना है, फाइल अपलोड करनी है, देन इंपोर्ट ऑप्शन पे जाकर उसको PDF कर देना है एंड देन इंपोर्ट। जब आप ऐसे करेंगे तो देखें, अब आपके पास ये साइट ओपन होगी कनेक्टिंग टू होस्ट, फिर वो सर्च करेगा, देन उसकी इंपोर्ट हो जाएगी वो फाइल आपके पास, अपडेटिंग हो रही है, सारी टर्म लिस्ट, उसके जो भी जर्नल और टाइटल है उसका, वो सारा अपडेट हो रहा है। अब देखेंगे आपके पास आर्टिकल यहाँ पे एज इट इज़, उसके आथर, उसके टाइटल, उसके ईयर, उसका जर्नल, और वो किस जर्नल आर्टिकल का है, ये बुक का सेक्शन है, ये कॉन्फ्रेंस का वो जर्नल पार्ट है, तो उसका कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ आपके पास इंपोर्टेड रेफरेंसेस में ये आपके पास रेफरेंस इंपोर्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास ऐसे आर्टिकल जो ऑलरेडी आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में हैं और आप उसको एंड नोट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके रेफरेंस को, तो ये उसका बेस्ट वे होता है। आई एम रिपीटिंग दिस, आपने जस्ट फाइल पे जाना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे जाके आपने फाइल या फोल्डर जो आप करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें एंड इंपोर्ट फाइल यहाँ पर चूज़ करें, और उसका PDF जो उसका वर्जन है जिस फॉर्म में वो है उसको सिलेक्ट करके उसको इंपोर्ट के बटन को प्रेस कर दें, तो आपके पास ये आर्टिकल का रेफरेंस एंड नोट में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आने वाली अगली वीडियोस में हम एंड नोट यूज़ कैसे करना है, उसमें उस फर्दर हमने एडिटिंग करनी हो आथर की, टाइटल की, जर्नल की,
जनरल के स्टाइल के अकॉर्डिंग रेफरेंस कैसे पुट किया जाता है, कैसे चेंजेस की जाती हैं, वॉल्यूम साइज़ को, पेजेस को, DOI को कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे उनके स्टाइल को चेंज किया जाता है। तो कीप वॉचिंग यंग रिसर्चर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और वही आखिरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपके लिए मज़ीद रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। इसको काइंडली शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।